हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। फिर से लेके आ चुका हूँ एक नया रिक्रूटमेंट, MTS क्लार्क DEO और डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए नया रिक्रूटमेंट की ऑफिशियल नोटिफिकेशन पॉल्यूशन बोर्ड की तरफ से पब्लिश किया गया है। आज की इस वीडियो के अंदर इसी के बारे में बात करने वाला हूँ, जहाँ पर आप लोग एप्लीकेशन कर सकते हो। तो दोस्तों, बेसिकली MTS क्लार्क एंड DEO के जो रिक्रूटमेंट की ऑफिशियल नोटिफिकेशन पब्लिश किया गया है, जहाँ पर 10-12 कैंडिडेट भी यहाँ पर एप्लीकेशन कर सकते। तो चलिए एक एक करके जानकारी आप लोगों को दिखा देता हूँ। अगर कोई कैंडिडेट एप्लीकेशन करना चाहते तो किस तरह से एप्लीकेशन करना है, अगर कोई कैंडिडेट एप्लीकेशन करना चाहते बेसिकली आपको क्या करना होगा, ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन दिया गया उसके अंदर क्लियरली बता दिया गया है। तो पहले तो आप लोगों को एक बात बता देता हूँ, MTS क्लार्क DEO के जो रिक्रूटमेंट की ऑफिशियल नोटिफिकेशन पब्लिश किया गया, जहाँ पर बता दिया जा रहा है ऑनलाइन में एप्लीकेशन करना होगा। तो चलिए दोस्तों देख लेते उसको। दोस्तों, जैसे कि देख सकते हो, मैंने यहाँ पे डाउनलोड कर चुका हूँ ऑफिशियल नोटिफिकेशन सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तरफ से पब्लिश किया गया है, जहाँ पे क्लियरली बता दिया जा रहा है 6 मार्च 2023 से 31 मार्च 2023 तक आप लोग यहाँ पे एप्लीकेशन कर सकते हो, जहाँ पे बहुत सारे पोस्ट निकल के आया है। बट आज की जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, जिसके अंदर आप लोगों को ओनली फॉर द अपर डिवीजन क्लर्क, डाटा एंट्री ऑपरेटर एंड इसके साथ साथ जूनियर डिवीजन क्लर्क एंड फील्ड अटेंडेंट के रिक्रूटमेंट के लिए बता रहा हूँ। तो यहाँ पे इस चारों जो पोस्ट निकल के आ जिसमें आप लोग एप्लीकेशन कर सकते हो, एंड एज क्राइटेरिया भी यहाँ पे मेंशन किया गया है, जो कि है 18 से 27 ईयर्स तक। तो 18 से 27 ईयर्स तक कैंडिडेट एप्लीकेशन कर सकते। इसके अलावा आपको एज रिडक्शन मिलेगा, जिस एज रिडक्शन के थ्रू आपको और भी बहुत सारे जो है आप लोगों को मिलेगा, जैसे कि SC ST के लिए 5 ईयर्स, OBC के लिए 3 ईयर्स, PWD के लिए 10 ईयर्स तक आपका एज रिडक्शन मिलेगा। इसके साथ साथ अगर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात किया जाए तो यहाँ पे उसको भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। जो भी कैंडिडेट एप्लीकेशन करना चाहते, एक बहुत बड़ी मौका है पॉल्यूशन बोर्ड की तरफ से MTS एंड जो ग्रुप डी के अंदर रिक्रूटमेंट किया जा रहा है, जिसमें आप लोग एप्लीकेशन कर सकते हो। तो चलिए अभी इसका ऑफिशियल जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखा गया है उसको मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे बेसिकली जो रिक्रूटमेंट के ऑफिशियल नोटिफिकेशन पब्लिश किया गया है, तो जिसमें यहाँ पे एक एक करके बता देता हूँ। अपर डिवीजन क्लर्क के लिए डिग्री क्वालिफाइड कैंडिडेट चाहिए, मतलब ग्रेजुएशन डिग्री, जहाँ पे 35 वर्ड पर मिनट आपको टाइपिंग भी आना चाहिए हिंदी और इंग्लिश में। डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए यहाँ पे आपको 12 पास एंड यहाँ पे भी टाइपिंग के लिए 8000 की आपको पर आवर में जो है आपको कंप्लीट करना होगा। जूनियर लेबोरेटरी के लिए 12 पास एंड लोअर डिवीजन के लिए 12 पास, फील्ड अटेंडेंट के लिए 10 पास एंड मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए 10 पास करने वाले यहाँ पे एप्लीकेशन कर सकते। अगर कोई कैंडिडेट एप्लीकेशन कर रहे हो तो इसको जो है आपको पता होना चाहिए। अभी आप लोगों को बताऊंगा एप्लीकेशन फ़ीस की। 2 आवर्स एग्ज़ाम के लिए 1000 रुपीज़, 1 आवर एग्ज़ाम के लिए आपको 500 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ीस आपको देना पड़ेगा। एंड इसके अलावा 250 रुपीज़ फॉर SC ST PWD एक्सर्विसमैन फॉर 2 आवर्स एग्ज़ाम एंड 150 रुपीज़ फॉर 1 आवर के एग्ज़ाम के लिए आपको देना पड़ेगा। एप्लीकेशन करना होगा आपको ऑनलाइन में। इसके अलावा आपको डायरेक्ट जो है इंटरव्यू के थ्रू सिलेक्शन किया जाएगा। अगर कोई कैंडिडेट एप्लीकेशन कर रहे हो तो आपको ऑनलाइन में एप्लीकेशन करना होगा, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। उस लिंक को क्लिक करके आपका एप्लीकेशन जो है भेज सकते हो। एंड यहाँ पर एप्लीकेशन करने के लिए कोई भी कैंडिडेट ऑनलाइन में एप्लीकेशन करने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट चाहिए, जैसे कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन का सर्टिफिकेट, वोटर कार्ड, आधार कार्ड, इस तरह की जितनी भी सर्टिफिकेट है आपके पास होना चाहिए, जिसके बाद ही आप लोग यहाँ पे एप्लीकेशन कर सकते हो। तो दोस्तों, यही था आज की अपडेट। अगर कोई कैंडिडेट एप्लीकेशन करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा आपको लिंक, जहाँ से एप्लीकेशन कर सकते हो। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।